30 अगस्त को टावर चौक पर मनेगा हड़ताली का तीज महोत्सव। सामाजिक संस्था ढाका सम्मेलन परिवार द्वारा भव्य पैमाने पर हड़ताली का तीज महोत्सव 30 अगस्त शाम 7 बजे से टावर चौक पर मनाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन शहर की अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाली 10 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। ठहाका सम्मेलन संस्थापक डॉक्टर महेंद्र यादव ने बताया कि उज्जैन शहर की समस्त महिलाएं सामूहिक रूप से हड़ताली का तीज का त्योहार टावर चौक फ्रीगंज पर मनाएंगी, जिसके लिए पूजा का पांडाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें विधि विधान से सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन किया जाएगा। हड़तालिका तीज की कथा स्वामी ध्यान श्री शैलेशानंद गिरिजी महामंडलेश्वर द्वारा की जाएगी। नारी शक्ति को समर्पित हड़तालिका तीज महोत्सव में उज्जैन नगर पालिका निगम की नवनिर्वाचित महिला पार्षदों का सम्मान भी किया जाएगा। इस मौके पर महिला मंडलों द्वारा विशेष प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। ठहाका सम्मेलन परिवार के हरिसिंह यादव, ललित लुल्ला, मनोहर परमार, आशीष खंडेलवाल, शुभम अरोरा, राजेश श्रीवास, ऋतिक यादव, ज्वलन शर्मा, विजय तिवारी, सुरेंद्र दरबार, रोहित चौहान, राहुल प्रजापति, प्रशांत शर्मा, महिला समिति की ललिता द्रोणावत, संध्या अग्रवाल, संगीता धनेरिया, इंद्राणी पवार, सिया ठाकुर, वर्षा विश्वकर्मा ने ठहाका सम्मेलन परिवार ने रात्रि जागरण में सभी माताओं बहनों के शामिल होने का अनुरोध किया है। साथ ही उज्जैन की सभी महिला भजन मंडलियों को मंच प्रस्तुतियों हेतु आमंत्रित किया है। 30 अगस्त को हड़तालिका तीज है और ढाका सम्मेलन परिवार हड़तालिका तीज महोत्सव का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और इस बार जो है उज्जैन शहर की सारी महिलाएं भव्य पैमाने पर हड़तालिका तीज मना रही हैं, सभी एकत्रित होकर के टावर चौक फ्रीगंज के ऊपर। इसमें जो है यहाँ पर एक पूजा का पंडाल भी बनाया जा रहा है, तो महिलाएं जो है शाम की 7 बजे की पूजा, 12 बजे की पूजा, रात्रि की 2 बजे और रात्रि में सुबह होते हुए 4 बजे ये सभी पूजाएं यहाँ पर होगी। पंडित जी की भी यहाँ पर एक व्यवस्था की है, पंडित जी पूजा कराएंगे। साथ ही जो है महामंडलेश्वर ध्यान श्री स्वामी शैलेशानंद गिरिजी महाराज जो है वो हड़तालिका तीज की कथा करेंगे। इसके साथ ही रात्रि जागरण यहाँ पर होगा पूरा महिलाओं का, जिसमें मैं सभी महिलाओं को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी भजन मंडलियाँ लेकर के, तमाम भजन मंडलियाँ जितनी भी महिलाएं की है वे सभी मंच पर प्रस्तुति देने के लिए साधारण आमंत्रित हैं। महिलाओं का आयोजन है, ढाका सम्मेलन की महिला विंग जो है इसका पूरा प्रबंध कर रही है और महिलाओं का जो शहर की सर्वश्रेष्ठ 10 महिलाएं जो है हमारी टीम ने चयन किया है, तो उन महिलाओं का जो है उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा उन सभी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। भाई महेंद्र यादव ने हड़तालिका तीज को उज्जैनी में भव्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया और आसपास के नगर समेत इस नगर की समस्त महिलाएं, माताएं, बहनें वहां पर उस व्रत का पूरा विधि विधान से सनातन धर्म के हिसाब से पालन करेंगी और उस रात्रि का माँ गौरा के लिए, माँ पार्वती के अनुष्ठान के लिए अपने स्वयं का व्रत रखेंगी। बेहद शुभ अवसर है, मैं खुद लालायित हूँ आप सभी माताओं बहनों के दर्शन के लिए, प्रयास करूँगा मैं भी उपस्थित हूँ आप सभी के दर्शन के लिए। और याद रखें कि सनातन धर्म के अंदर अभी तक व्याख्याएं जितनी हो रही है इस काल के अंदर आपने कृष्ण की लीलाएं देखी होंगी, राधा की लीलाएं देखी होंगी, किंतु ये स्पष्ट है कि महादेव ने किस तरीके से अपने ससुर दक्ष प्रजापति को मनाया था और किस प्रकार से सुनट नर्तक बन करके उन्होंने विवाह के लिए उन्हें उनसे सहमति